It has been ages that the urban agriculture has come into play in big and small cities. While we say regarding the perceptions of different people regarding urban agriculture, we come to know that it is of different ways in regards to laborers, the land owners, farmers, the marketing people, and the consumers. With due course of time, urban agriculture has seen changes in regards to crop patterns, the water quality, and in the ways it has emerged out. साल दर साल पहले, आज से 5 साल पहले और आज की उपज में कुछ फर्क है? ज्यादा है, कम है? कम है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं, आमदनी कम है, फायदा भी कम है और उपज भी कम है। And all kind of pollutants, major pollutants which is there, and I found that they have a severe problem of sclerosis, severe problem of cancer, skin cancer, lung cancer, brain cancer, and it is a become and the it become a kind of mutant. आप लोग जो वहाँ पर खेती करते हैं और यहाँ पर तो आपका तो समझ लीजिए कि आपका खेत नहीं है वहाँ पर, आपका व्यापार है, व्यापार ही तो ये व्यापार धंधा है, यहाँ तो धंधा है। आप वहाँ की जो खेती करने का तरीका यहाँ का अलग है? अलग है, अलग है, अलग है। वहाँ फसल 6 महीना होती है, यहाँ 1 महीना फसल जाती है। पालक का पैसा 1 महीना भर जाएगा, वो धान लगाया 6 महीना कटेगा, गेहूँ लगाया 6 महीना कटेगा, गन्ना कटेगा साल में। गन्ना तो हमारे महाराष्ट्र में तो 3 साल में कटता है, बोलते जो उसमें असली रस जो भरता है वो 3 साल का मीठा होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, साल में कट जाता है। हाँ, दवाई गाँव में ज्यादा दवाई छिड़कनी पड़ती है कि कम? वहाँ दवाई खा जाती है, दवाई दवाई पड़ती है ज्यादा, वहाँ घास पूरा नहीं होता, घास दवाई मार दी, कीड़ा दवाई मार दी, उसमें कहीं होता यहाँ पे। अरे मान लो भाई आज कीड़ा खा तो कल दवाई मार दो, चार सौ दवाई मारो, यहाँ तब दवाई जरूरी है। यहाँ दिल्ली में दवाई सब पा ज्यादा पा, कौन सी दवाई डालते हैं? दुकान जाओ भैया, जा मारे बताते हैं। बहुत अंतर अपनी सारी मिट्टी साल कपड़े में फुट जाएगी, हमारे सीने में हमारी मिट्टी का जरूरत है देखा है ना, Are these farmers choosing the easiest crops to be grown that will make the economy better, or the crops that will yield a good variety? Why do they use such a crop? Are the landowners, the land laborers, and the working farmers willing to take risk in such situations? Are they willing to grow crops that will yield not only a better variety but also a better quality? जैसे आपने बोला कि ये बदलाव आए, पहले जो यहाँ पर आप धान बाजरा ये उगाते थे, आजकल सब्जी उगाते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब वो नहीं होते ना, नहीं तो उसमें हमारा पड़ता नहीं आता, क्यों आता है वो 6 महीने होते हैं या 2 महीने, ठीक है जी। और पानी वगैरह सब बोरवेल वाला पानी, हाँ नीचे जो मोटर वाला पानी चल रहा है। अच्छा, वो अपना जैसे कि यहाँ का पानी नमकीन होगा थोड़ा, बहुत अंतर है। अच्छा, जैसे कि अगर खेती हम यहाँ कर रहे हैं और एक खेती म्याऊ में कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में धान लगा रहे हो, तो यहाँ पर अंतर क्या है? जैसे यहाँ का पानी नमकीन है, वहाँ का साफ पानी है, उतना अंतर तो है नहीं, तो कुछ अंतर आ रहा है कि धान की खेती में? मतलब पानी की कमी है, हाँ यहाँ पानी ज्यादा है, यहाँ पानी ज्यादा है। नजदीक में है पानी है। अच्छा, लेकिन गंदा पानी थोड़ा गंदा ही होगा ना, गंदा भी है नमकीन भी है, गंदा नमकीन दोनों पानी है। Are there any non-government organizations is actively working on urban farming? For example, CSE, Center for Science and Environment, has come up with a lot of documents on urban agriculture, urban farming, urban pollution, and lot of information you will get from them. And this information is actually very, very crucial to understand the present status of the urban farming, at least in this.